नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा। बिहार के सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार भरे मंच से हमेशा ही ईमानदारी का दंभ भरते हैं, लेकिन उनके सरकार में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले बाबू बिना घूस के कोई काम करने से कतराते हैं। ऐसा ही भ्रष्टाचार का एक मामला छपरा से सामने आया है, जहां आवास देने के नाम पर धांधली की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बात चाहे राजनीतिक उठापटक की हो या फिर भ्रष्टाचार की, इन सब को लेकर बिहार इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में नाकाम रहे और उनकी इस नाकामी का खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल इन दिनों छपरा के एकमा प्रखंड क्षेत्र में गरीबों को आवास का आवंटन किया जा रहा है, लेकिन ये आवास उन्हीं को आवंटित किए जा रहे हैं जो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले बाबुओं को चढ़ावा के रूप में घूस दे रहे हैं। बता दें कि सारे नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाकर यहां आवास का आवंटन किया जा रहा है। सुशासन बाबू के सरकारी कर्मचारी लगातार पैसे की उगाही कर रहे हैं, जिसको लेकर लाभार्थियों ने वहां के सुपरवाइजर सुधीर कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बोले का भजवा 40,000 रुपया आएगा ब्लॉक से आई रहनी है, उन्हें के देले बन 10,000 रुपया सुन काहे का 10 रुपया देले बने तू लो ले ले बनी लोग घूस तो हम ले बनी हम ना देते रहनी तो कहत नहीं लोग का कि तू घर पास को ले तार घर ना बन 10,000 रुपया देबू तब तार घर बन घर पास बनवा तो घूस में 10,000 रुपया ले ले रो नाम जानता रवि वो खत्म पैसा ही है खत्म है कौन पंचायत है बलिया पंचायत घर पास बन बा 40,000 रुपया इन बता 10,000 ले ले के 10,000 ले हाल सुधीर के हम हाँ। वहीं जब सुपरवाइजर सुधीर कुमार पर लगे आरोपों के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। बिल्कुल भी लगाया आरोप गलत है और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास साक्ष्य है और आपको साक्ष्य मैं आपको बता दूं, जो भी साक्ष्य होगा हम बता रहे हैं आपको कि लगभग जो रिपोर्ट मेरे पास प्रेजेंटली अभी है, प्रिंट की रिकॉर्डिंग मत कीजिए, बोलने का अधिकार मेरा है नहीं। ये सब वीडियो सब बोलेंगे आप पर्सनली, मैं पूरी जो प्रिंट लेवल से ऊपर घर बन जाता है तो उनको जेल जारी कर देते हैं, किसी का पैसा नहीं है। जो प्रिंट लेवल घर बन गया है हम दे दिए, अब जो भी आपको लेना है वो सर से ले सकते हैं। बहरहाल बड़ा सवाल अब ये है कि नीतीश सरकार भ्रष्टाचार पर आखिर कब लगाम लगाएगी, या फिर ऐसे ही गरीबों को आए दिन शोषण का सामना करना पड़ेगा। टीएनपी न्यूज के लिए छपरा से चंदन कुमार चंचल की रिपोर्ट।